हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा जिसको हम बनाएंगे तवे पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा खुला सा बर्तन, तो इसमें हमने ऐड कर लेना है ल्यूक वार्म वाटर। मैंने यहाँ पर तकरीबन एक कप मैंने यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। उसी में हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए शुगर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप शुगर को स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है ईस्ट। ईस्ट यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए हम एक साइड में रख लेंगे। तब तक हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पनीर के जो क्यूब्स हैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा रेड चिली पाउडर। इसी में हमने ऐड कर लेना है हल्का सा सॉल्ट। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप ज़ीरा और धनिया वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे हल्की सी हल्दी। ओवर हल्दी अगर आप ऐड कर लोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा मैरिनेटेड पनीर तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो हमारा ईस्ट है वो भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसी एक्टिवेटेड ईस्ट में हम पिज़्ज़ा का डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा ऐड कर लूँगी क्योंकि हमें बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है पिज़्ज़ा के लिए। अभी हमने इसमें ऐड कर लेना है ऑलिव ऑयल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ऐड कर लिए हैं। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो मेरा डो बहुत स्टिकी स्टिकी है, तो मैं मज़ीद थोड़ा इसमें आटा मिक्स कर लूँगी। थोड़ा ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने डो को थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। जितना आप डो को सॉफ्ट रखोगे वो उतना ही ज़्यादा जो है पफअप होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अभी थोड़ा सा मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा ऐड करना है। तो अभी हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो बीच में अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसको मैं अच्छी तरह से मसाज कर लूँगी क्योंकि मसाजिंग भी बहुत ज़रूरी है डो के लिए, तो इसको अच्छे से गूंदना ज़रूरी है। अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। जब हमारे डो कंबाइन हो जाएगा अब हमने इसको रख लेना है रेस्ट के लिए। तकरीबन आप 30 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है एक्टिवेट होगी ईस्ट और डो भी बहुत अच्छी तरह से आपका रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इस तरह का हमने डो तैयार कर लेना है पिज़्ज़ा के लिए। तो मैं इसको रख लूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए हमने इसको साइड में रख लेना है। 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डो हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ईस्ट भी हमारा बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं डो को लूँगी और इसको हम हल्का सा मसाज करेंगे। आप देख सकते हो डो अभी भी हमारा थोड़ा स्टिकी स्टिकी है। आप चाहो तो हाथों पर ऑयल ग्रीस कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों को हल्का सा आटा, सूखा आटा लगाकर आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर मैंने अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की प्लेट यूज़ की है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे आटा। सूखा आटा होता है वो मैं ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो आप उस पर भी नीचे पहले आटा डस्ट कीजिएगा और फिर इस तरह से डो को अपने हाथों से स्प्रेड कर लेना है इवेनली। जितना आपका डो सॉफ्ट रहेगा वो उतनी अच्छी तरह से आपके हाथों से जो है वो स्प्रेड होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने डो को सॉफ्ट रखना है। सेंटर में हमने बिल्कुल थिन सा आटा हमने डालना है और फिर साइडों को हमने इस तरह से डिज़ाइन देना है। अगर आपका डो स्टिकी हो जाएगा तो हल्का सा हमने हाथों पर जो है सूखा आटा लगाना है और फिर इसको स्प्रेड करते रहना है। तो इस तरह से हमने उसको स्प्रेड कर लिया है ऑल ओवर और हमने सेंटर पे अप कर लेना है फोर्क से। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं फोर्क कर लूँगी इसको ताकि जो हमारा डो है वो बीच से ज़्यादा फूले नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फोर्क का यूज़ किया है। आप चाहो तो नाइफ से भी कर सकते हो।
बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और बहुत ही सॉफ्ट इसका ब्रेड बनता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो है पिज़्ज़ा बेस तैयार है। अब हम यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हमने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को ऑल ओवर हमने स्प्रेड कर लेना है। आपको ख़ुद यकीन नहीं होगा कि आपने ये पिज़्ज़ा तवे पर बनाकर तैयार किया है। उस तरह का ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का बनता है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लेने के बाद हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे मेयोनीज़। तो यहाँ पर हमने मेयोनीज़ स्प्रेड कर लेनी है। मैं ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस थोड़ी सी मैं यहाँ पर मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हमने हल्का सा ऊपर स्प्रेड कर लेना है। मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस को हमने दोनों को मिलाना नहीं है, बस हल्का सा मैं उसको स्पून से स्प्रेड कर लूँगी। पिज़्ज़ा स्प्रेड कर लेने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे हल्की सी चीज़। चीज़ यहाँ पर हम मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। चीज़ ऐड कर लेने के बाद हम ऐड कर लेंगे पनीर क्यूब्स। एक एक करके हमने सारे क्यूब्स को असेंबल कर लेना है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए। मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो क्रस्ट बनाया है पिज़्ज़ा का, वो थोड़ा सा मैंने मोटा रखा था। तो अगर आपका ब्रेड मोटा हो जाएगा पिज़्ज़ा का, तो उसमें ज़्यादा स्टफिंग, ज़्यादा टॉपिंग्स अगर आप डालेंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप पतला उसका क्रस्ट बना रहे हैं पिज़्ज़ा का, तो आपने वेजीज़ को कम कर लीजिए अपने टॉपिंग्स पर। तो यहाँ पर हमने पनीर को असेंबल कर लिया है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ब्रोकली। ब्रोकली ऐड करने के बाद हम इस पर ऐड कर लेंगे कैप्सिकम। यहाँ पर मैंने तीनों कलर की मैंने यहाँ पर कैप्सिकम यूज़ की है, रेड बेल पेपर, और यहाँ पर हमने ऐड की है और येलो बेल पेपर, और कैप्सिकम हमने, ग्रीन कैप्सिकम भी हमने इसमें यूज़ की है। आप अगर आपके पास जो वेजिटेबल्स है, आप वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो उसमें अनियन ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, जो अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स हो वो आप ऐड कीजिएगा। पिज़्ज़ा जब तक आपका अच्छा नहीं बनता, तब तक उसका बेस अच्छा ना हो। तो इसीलिए आपका बेस बहुत अच्छा बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पिज़्ज़ा। तो अगर आप इस तरह से अपने डो को प्रिपेयर करेंगी, तो आपका जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का बन के तैयार होता है। बहुत से लोग जो है विदाउट ओवन वाले पिज़्ज़ा को जो है पहले बेस को सेक लेते हैं, या फिर पहले बेस को प्रिपेयर करते हैं और फिर उस पर टॉपिंग डालते हैं। तो उस तरह से पिज़्ज़ा अच्छा तो बनता है, लेकिन ये वाला जो पिज़्ज़ा अगर आप बनाएंगे ना, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। ये ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने इसको बिना ओवन के तवे पर बनाया हो। ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है तवा वाली, इतनी कमाल की रेसिपी है। यू वोंट बिलीव कि आपने इसको, आपने ख़ुद बनाया है और आपने इसको तवे पर बनाया है। टाइम थोड़ा लगेगा बेकिंग के लिए, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर मैं टॉपिंग्स के लिए अनियंस भी यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अनियंस को भी ऐड कर लिए हैं। पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हो। तो अभी हमने ऐड कर लेनी है चीज़। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हमने स्प्रेड कर लेना है ऑल ओवर, और फिर पिज़्ज़ा को हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से डबल हो जाए। और फिर हम इसको तवे पर सेक लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने ऑल ओवर चीज़ को स्प्रेड कर लेना है। अगर आप चीज़ लवर हो, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मेयोनीज़ को अवॉइड कर आप चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है चिली फ्लेक्स, और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ओरिगैनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग आप कोई भी ऐड कर सकते हो। लेकिन पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सीजनिंग ही बहुत ही डिलीशियस, उसका टेस्ट जो है वो एनहेंस करती है। अगर मैं कहूँ तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर पिज़्ज़ा, अगर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग यूज़ करते हो तो। तो इस तवे पर हमने पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट उस पर मूझ दूँगी और इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा डो जो है वो अच्छी तरह से पफअप हो चुका है। अब हमने गैस फ्लेम को कर लेना है ऑन, और यहाँ पर हमने कढ़ाई मूझ दी है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा लिड था नहीं, तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई उस पर ढक दी है। और फिर हमने उसको लो टू मीडियम हीट पर पका लेना है।
लो टू मीडियम हीट पर हमने इसलिए पकाना है क्योंकि हमारा जो बेस है वो जल ना जाए ओवर कुकिंग की वजह से, तो हमने उसको मीडियम हीट पर ही हम उसको कुक करेंगे। जैसे ही हमारी नीचे का अच्छी तरह से पक जाएगा 10 या फिर आप कह लो 15 मिनट्स के बाद हमने जो कढ़ाई है वो ऊपर से हटा लेनी है और फिर जो गर्म पैन होता है उस पर हमने उसको उल्टा कर देना है। तो जो ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाला जो डो होता है जो नहीं पका होता है वो जो है तवे की हीट से पक जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पक जाता है पिज्ज़ा नीचे वाली हीट से ही। तो फिर इसीलिए हमने उसको ऊपर पैन से उसको ढक लेना है ताकि जो हमारा चीज़ और जो हमारी ऊपर की जो टॉपिंग्स है वो हल्की सी कुक हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने उसको सर्व कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको समझ में तो आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिएगा पिज़्ज़ा इज़ रेडी। कितना कमाल का इसका बेस बना है और जो इसका टेस्ट है वॉज अनदर लेवल। ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की। अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है और इसका जो क्रस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप उसको नीचे से भी देख सकते हो, वो बिल्कुल जला नहीं है क्योंकि हमने उसको लो टू मीडियम हीट पर कुक करा था। तो ये आप देख सकते हो अंदर से भी ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था।